हेलो फ्रेंड्स, आज 15 अगस्त है और हम इसको वैक्सीन कराने ले गए थे बेबी को, तो आज इसकी अपॉइंटमेंट थी, तो वेटिंग हम कर रहे हैं, अभी डॉक्टर की वेट कर रहे हैं बाहर। हमारा नंबर आएगा तो बस इसका वैक्सीन लगेगा, इसके बाद वैक्सीन बननी है ये तो डॉक्टर के पास जा ही नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से अंदर इसको इंजेक्शन दे रहे हैं। उसके बाद हम KFC आए, वहाँ पर हमने छोले भटूरे ऑर्डर किए और आज का दिन भी अच्छा था, मौसम बाहर का बहुत अच्छा था, तो मैंने छोले भटूरे खाए आज। ये नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग को मैं अपने कपड़े धोने के लिए मैंने मशीन में डाल दिए हैं, घर की बेडशीट, बेबी के कपड़े, क्योंकि रोज़ बरसात हो रही है तो बिल्कुल भी कपड़े ढंग से धुल ही नहीं पा रहे हैं। फिर मैंने खाना चढ़ाया, ये अरहर की दाल है जिसे मैंने हल्दी नमक डाल के तेल थोड़ा ऑयल डाल के बॉयल कर लिया, इसमें मैं तड़का लगा रही हूँ। अभी सिंपल सा मैं एक खाना बना रही हूँ क्योंकि प्रीवियस डे हमने मतलब काफ़ी हैवी खाया था, वो छोले भटूरे खाए थे, तो नेक्स्ट डे कुछ हल्का खाने का ही मन करता है, तो मैंने चावल दाल बना के रख ली है। और मेरे कपड़े भी धुलने वाले होंगे क्योंकि धूप निकली हुई थी, तो मैंने सोचा कपड़े धो लो, ये मतलब बहुत ही बेस्ट टाइम होता है कि अगर धूप दिख रही है तो कपड़े धो लो, काफ़ी टाइम से हम कपड़े धो ही नहीं पा रहे थे, बरसात की वजह से सूखते ही नहीं है तो वही यूज़ हो रहे थे। तो ये सारे कपड़े निकाल के मैं अभी डालने वाली हूँ, फैलाने वाली हूँ उनको, और अभी मेरा खाना भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। ये तड़का लग गया, मुझे गाढ़ी दाल पसंद है, वही चावल मेरे रेडी हो चुके हैं। तो किचन को काउंटर भी, किचन का पूरा साफ़ करना है मुझे, स्लेप, और मैं मौसमी खाऊंगी, मौसमी एप्पल कुछ भी। अब खाना बनाने के बाद जो भी गंदगी होती है उसे मैं लगे हाथ पोंछ देती हूँ, नहीं तो फिर ये सब जमता रहता है गंदगी, मुझे पसंद नहीं है, तो उसके बाद मैं हाथों साफ कर देती हूँ। और मैंने बेबी के लिए चिल्ला बनाया, तो उसे थोड़े ऐसे करके ठंडा होने के लिए टुकड़े टुकड़े में कर देती हूँ ताकि वो ठंडा हो जाए, और वो सॉस के साथ उसे खाना पसंद है। और मैंने ये मौसमी काट के अपने लिए मौसमी खाई, इसका मैं जूस ज़्यादा प्रेफर नहीं करती क्योंकि मैंने सुना है कि जूस से ज़्यादा अच्छा कि आप फल को खाएँ, तो वो ज़्यादा बेटर होता है, बिना किसी नमक या फिर चीनी के डाले वो ज़्यादा अच्छा होता है। अब मैं दोपहर का टाइम है और मैं सोच रही हूँ कि दाल का आटा बना लूँ, ये जो मेरी अरहर की दाल है उसका मैं आटा गूंद रही हूँ, इसमें अरहर की दाल में ऑलरेडी मसाले हैं, तो मैं थोड़ा बहुत नमक मिर्च अजवाइन डालूँगी, तो ये मेरा दाल का एक पराठा जो है मैं उसका आटा गूंद लूँगी, दाल का पराठा बनाऊँगी। अगर आपको कभी कुछ समझ में ना आए तो आप ये कर सकते हैं, आटे में दाल मिला के, कोई सी भी दाल हो, उड़द की दाल हो, अरहर की हो, मिक्स दाल भी होती है उसका भी हम आटा गूंद सकते हैं, सब्जियों का भी, अगर बच्चे सब्जी दाल आसानी से नहीं खा रहे तो ये पराठे खा लेते हैं, और हम इनके लंच बॉक्स में भी ये या फिर ब्रेकफास्ट में हम ये सब बना के खिला सकते हैं। तो मैं अभी आटा गूंद रही हूँ, तो मुझे हार्डली सिर्फ 2-3 पराठों के ही चाहिए क्योंकि ज़्यादा तो है नहीं लोग, तो उस हिसाब से मैंने आटा गूंद रही हूँ। फिर इसको मैं 10 मिनट के लिए रख दूँगी, फिर पराठे बेलूँगी। तो मैं ट्रायंगल शेप का पराठा बना रही हूँ, बस पूरा दिन ऐसे ही काम करते हुए निकल जाता है, बस साथ में लगे हाथ बच्चे को भी संभालना होता है, उसे कभी बुक दे देती हूँ ताकि मैं अपना खाना बना सकूँ, उसे किसी ना किसी चीज़ में मैं बिज़ी करती हूँ कि वो और भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। मैं भी आपको आगे शो करूँगी कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ कि खाना भी बना रही हूँ, साथ में बेबी को भी देख रही हूँ। मुझे पता है कि वो पीछे से बहुत तंग करती है जब मैं खाना बना रही होती हूँ, मम्मी ये दे दो, मम्मी वो दे दो, तो उसके साथ में ये सब खाना बनाना भी मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट मैं करती हूँ। तो मैं कम ऑयल में पराठा बना रही हूँ, मैं ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करती, और आजकल तो बरसात का वैसे ही मौसम चल रहा है तो ज़्यादा ऑयली खाना से भी पेट ख़राब हो जाता है।
तो ये मेरा पराठा बन गया है। और रात के लिए हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, तो ये डोमिनेटर वाला पिज़्ज़ा है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसके अंदर चीज़ होता है। वैसे तो फार्म हाउस और भी पिज़्ज़ा आते हैं, लेकिन ये वाला ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये मेरा फेवरेट बन चुका है, तो आप भी ट्राई करिएगा इस वाले पिज़्ज़ा को। इसके बाद एक कप चाय मैं पी रही हूँ, ये पराठा बेबी के लिए है तो उसको पराठा दे रही हूँ मैं खाने के लिए। उसको मैं ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं देती बाहर की, तो इसके लिए जो सिंपल पराठा बनाया था मैं उसको वही खिला रही हूँ, क्योंकि बेबी के लिए बाहर का खाना ज़्यादा हेल्दी नहीं होता, तो उसके लिए सिंपल मैंने ये खाना बनाया।